आज नवरात्र का पहला दिन है। माता की आराधना के लिए दिल्ली एनसीआर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। झंडेवालान मंदिर से जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता रोशनी। माँ की भक्ति और आराधना का पावन पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर से। सबसे पहले आपको माँ के दर्शन कराते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माँ शैलपुत्री सफेद वस्त्रों में आपको माँ झंडेवालान मंदिर में नजर आ जाएंगी। सफेद और लाल वस्त्रों से माँ का श्रृंगार किया गया है बहुत ही खूबसूरती से, और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साधकों के लिए भी आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना भव्य यहाँ पर माँ का स्वरूप है उतना ही भव्य श्रृंगार इस पूरे मंदिर प्रांगण का भी किया जाता है। आपको दिखा दें कि सजावट किस तरह से झंडेवालान मंदिर में की गई है, और खास तौर पर माँ का जो मुख्य गर्भ स्थान है वहाँ पर फूलों की सजावट की गई है, और दो गज जो है वो आपको मुख्य यहाँ पर गर्भगृह के द्वार पर नजर आ जाएंगे। और अब आपको भक्तों की भीड़ दिखाते हैं कि किस तरीके से भक्त उमड़े हैं, क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन हर कोई ये कोशिश करता है कि माँ के दर्शन हो जाएं और हाथों में पूजा के फूल लेकर यहाँ पर माँ से अर्चना करने, अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए लोग पहुँचते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, इस लिहाज से यहाँ पहुँचने वाले लोग न सिर्फ आपको मंदिर के अंदर नजर आएंगे बल्कि इतनी ही तादाद में लोग मंदिर के बाहर भी है। सुरक्षा इंतजामों की जहां तक बात है तो यहां पर सीसीटीवी कैमरे अतिरिक्त लगाए जाते हैं, और खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में सेवादार यहां पर नियुक्त किए जाते हैं, महिला और पुरुष, जो कि लोगों को दर्शन कराने में उनकी मदद करते हैं ताकि किसी को भी किसी तरह की यहां पर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दिल्ली आज तक।